कांस्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस अब पढ़ेंगे, लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो इसमें लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में हम लिखेंगे 1923 में लॉरी और ब्रॉन्सेट ने एक एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। लिखेंगे इन 1923 जे एन लॉरी एंड जे एन लॉरी एंड Zn Brannsted proposed a concept of acid and base. According to this concept, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड किसे कहते हैं, एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन स्पीसीज एंड ए स्पीसी क्या ऐसे लिखेंगे विच इन्होंने कहा एसिड के बारे में कि जो पदार्थ एच प्लस आयन डोनेट कर सकता है, जो H प्लस आयन डोनर होता है उसे हम कहते हैं एसिड। क्या बोलते हैं जी, एसिड। विच स्पीसीज कैन डोनेट H प्लस आयन, इसे को कहते हैं प्रोटॉन, is called acid, उसे acid कहेंगे according to Arrhenius concept of acid base. Which species can donate H plus ion, that is proton कहेंगे, is called acid, उसे acid कहेंगे। या फिर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ए सबस्टॉन्स, ये प्रोटॉन, ये सबस्टॉन्स और हाइड्रोजन कंटेनिंग एनी स्पीसीज और सबस्टॉन्स विच डोनेट H प्लस, या इसी को कहेंगे प्रोटॉन और कॉल्ड एसिड। हाइड्रोजन कंटेनिंग एनी स्पीसीज और सबस्टॉन्स दूसरी डिफिनेशन है ये, हाइड्रोजन कंटेनिंग एनी स्पीसीज और सबस्टॉन्स विच डोनेट H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड। बेसिस देख लेते हैं, बेस ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन containing any substance or species which accept H plus ion, या इसे कहते हैं प्रोटॉन, इसे कहते हैं प्रोटॉन, are called
बेस, उसी को हम बोलेंगे बेस. हाइड्रोजन कंटेनिंग एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट एच प्लस आयन आर कॉल्ड बेस. ओके, तो ये एसिड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की डिफिनेशन थी. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड है विच सबस्टांस कैन एक्सेप्ट एच प्लस आयन आर कॉल्ड बेस एंड विच सबस्टांस कैन डोनेट एच प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड. ओके, समझ में आया सबको. अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. कह सकते हैं हमको एग्जाम्पल से पहले बता लेते हैं. बेस एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है. मींस जो प्रोटॉन को यानी एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम बेस बोलेंगे, जो एच प्लस आयन को डोनेट करेगा उसे एसिड बोलेंगे. दैट इज, मान लीजिए कि यह एक एसिड है और यह एक बेस है, तो यह एसिड के पास कैपेबिलिटी होगी एच प्लस डोनेट करने के लिए. यानी यह एच प्लस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है H प्लस, या डोनेट कर रहा है. लेकिन ये B क्या कर रहा है, इसका H B इसके H को एक्सेप्ट कर रहा है, या डोनेट कर रहा है इधर और यह एक्सेप्ट कर रहा है. मीन्स H प्लस प्रोटॉन डोनर, इसे बोलेंगे प्रोटॉन डोनर, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर. इसलिए ये प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये एसिड कहा जाएगा और यह बेस कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस. तो चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं लॉरी एसिड के. लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड के हम एग्जांपल देखते हैं. तो मॉलिक्यूलर एग्जांपल लिखते हैं. मॉलिक्यूलर एग्जांपल, कोई मॉलिक्यूल ऐसा लेते हैं जो H प्लस डोनेट कर सकता है. ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे H2SO4 होता है, H प्लस डोनेट कर सकता है. जैसे HCl हो गया, HCl यह एक मॉलिक्यूल है और यह H प्लस डोनेट कर दिया, तो यह एच प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिड. इसी प्रकार और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो. अब हम लेते हैं कोई कैटायनिक एग्जांपल. कैटायन हम लेंगे जो एच प्लस डोनेट कर सकता है. जैसे कैटायन मैंने ले लिया AlS2O6 और इस पे 3+, ये हमारा कैटायन है. प्लस लग गया तो कैटायन है और इसने क्या किया, एच प्लस डोनेट कर दिया, तो बना क्या, AlS2O5 और OH. देखिए एक H2O में से एक H निकल जाएगा तो एक ठो OH बचेगा, और इस पे जब एक ठो H प्लस निकल गया तो इसका एक प्लस कम हो जाएगा. मीन्स इस पे बचेगा 2+ और आपका एक प्लस निकल गया. जो H प्लस डोनर होता है, मीन्स यह H प्लस डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी, एसिड. इसे एसिड बोला जाएगा. इस प्रकार से मैं एक एनायनिक एग्जांपल ले लेता हूं. जैसे H2PO4 पे माइनस है, यह H प्लस डोनेट कर दे रहा है, तो H प्लस डोनेट करेगा तो यहां दो H है तो एक H बचेगा, HPO4 पे दो माइनस हो जाएगा और इसने H प्लस डोनेट कर दिया. तो यह H प्लस डोनेट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे जी, एसिड. यह हो गया. ये सब के सब लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं. और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं इस प्रकार के. अब बेस को एग्जांपल देख लेते हैं. बेस के एग्जांपल लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस. तो चलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस की मॉलिक्यूलर एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस की मॉलिक्यूलर एग्जांपल में हम बात करेंगे पिरिडीन की. पिरिडीन क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है और बना लेता है
कैटानिक पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन का जो सिंबल होता है हेट्रोबेंजीन होता है, मीन्स नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, यह पिरिडीन है आपका, यह यहाँ रहेगा पिरिडीन से जुड़ा हुआ, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ यच रहेगा, तो यही पिरिडीन का सिंबल होता है। मैं आपको कैटानिक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये कैटानिक मीन्स पॉजिटिव आयन वाले एग्जांपल। कैटानिक एग्जांपल हमारे क्या है भाई, बस इसी को उलट कर तो लिखना है, देखो पहले मैंने लिखा था, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ उस वाले को लिखूँगा एस टू को फाइव और ओ एच, देखो अब इसके पास एच प्लस एक्सेप्ट करने की क्षमता है और यह एच प्लस एक्सेप्ट करके बना दिया ए एल एस टू का होल सिक्स थ्री प्लस, यह एच प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, जो एच प्लस एक्सेप्टर है वो बेस होता है, ये पिरिडीन भी बेस है और एक कैटायन भी बेस है। मैं एनायनिक एग्जांपल लिखूंगा, इसको उलट कर लिखूंगा, एच पी ओ फोर पे टू माइनस और यह H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद यह बनाता है एच टू पी ओ फोर, देखिए एक दो माइनस है, एक तो प्लस आएगा तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो इस पर एक माइनस बचेगा, यानी यह H प्लस एक्सेप्टर है इसलिए इसका नाम पड़ेगा बेस। तो ये थे लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस के कुछ